किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान भाइयों, ये अमरूद का बाग मैंने 20 से 22 जून 2018 में लगाया था और इसमें मुझसे दो गलतियां हुई थी। पहली गलती समय पर पन्नी न काटना और दूसरी गलती उनको सही सपोर्ट न देना। थोड़ा शायद पैसे बचाने के चक्कर में मैंने सही तरह से सपोर्ट नहीं लगाई और उससे कुछ पेड़ तिरछे हो गए जिनको मैं अब ठीक कर रहा हूँ। आप सब ये गलती न करें और इसका ध्यान रखें, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसके बारे में एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और उसमें ये कमियां बताई थी, जिसमें का टाइटल है अमरूद के पौधों की पहले दो महीने में देखभाल। इसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दे दिया। अभी इसमें क्या हुआ कि जो पन्नी ना काटने की वजह से जब मैंने अपने पौधे चेक किए और जो पौधे विशेष रूप से L49 के थे उनमें ये बहुत कमी पाई गई, क्योंकि उसकी ग्राफ्टिंग पर जो पन्नी बंधी हुई थी वो सही नहीं थी, बहुत अंदर तक घुस गई। और जब मैंने उनको चेक किया तो मुझे करीब 500 में से 250 यानी 250 यानी 50% पौधे मुझे तोड़ने पड़े और उनको दोबारा रिप्लेस करना। ये पौधे जब मैंने कटिंग की बात की उस टाइम मैंने दोबारा लगाए और उसके दो दिन बाद बहुत अच्छी बारिश हुई, सब पौधे चल पड़े हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब इनमें हम क्या कार्य कर रहे हैं मैं आपको ये दिखाता हूं, और अगर आप ये कार्य करेंगे तो आपके पौधे बहुत ही जल्दी और बहुत स्वस्थ रूप से आएंगे। लगाते समय ये ध्यान रखना है कि आपको कम से कम एक गड्ढे में यानी एक पौधे के लिए 5 किलो कंपोस्ट अवश्य डालें। अगर 100 ग्राम बोन मील मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और लगाने के बाद उसमें कम से कम 2 लीटर पानी अवश्य दीजिए, छोटा सा थैला बनाकर एक पानी दीजिए, ताकि जो थैली है आपकी, जो उसकी जड़ें हैं पौधे की, वो और बाहर की मिट्टी समान रूप से मिल जाए। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार इनकी देखभाल की जा रही है और किस प्रकार इनमें डंडी लगाई जा रही है और किस प्रकार इनको बांधा जा रहा है। बांधते समय भी बहुत सावधानी रखनी है, अगर आप रखेंगे तो आपके पौधे बहुत जल्दी चलेंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और जल्दी ही आपको इसके परिणाम सुखद रूप में नजर आएंगे। ये देखिए, ये L49 अमरूद का पेड़ है और इसके पास आप ध्यान से देखिए जड़ पर मैंने एक डंडी लगाई है। किसान भाइयों, ये बांस की डंडी है और ये 5 फुट लंबी है, जिसे हमने 1 फुट जमीन में धंसा दिया है और ये देखिए इसके बिल्कुल लगभग पौधे के पास में लगाई है। अब इसके क्या फायदे होंगे ये मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार बांधेंगे ये दिखाएंगे। इसे हमें दो जगह से बांधना है, ये ध्यान रहे कि बांधते वक्त आप जो पहला जो इसे 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 सपोर्ट देंगे वो ये जो कलम है, इसकी ग्राफ्टिंग है, इससे नीचे देंगे, इससे नीचे देंगे ताकि जड़ ना हिले, और दूसरी सपोर्टिंग जो है इसे लगभग 2 फुट ऊपर से दे देंगे, ये 2 फुट ऊपर से, ये देखिए। और ये ध्यान रहे कि जैसे अभी इन्होंने ये गलती कर दी है कि ये दोनों आँखों के बीच में यानी जहाँ पर कल्ले निकलते हैं उससे नीचे रहे थोड़ा। आप देखिए इसे, अब देखिए ये जो ये नीचे और एक ऊपर ये कल्ला है, इनके बीच में बांधें, अब आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित है। ये देखिए मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, ये देखिए अब कोई भी हवा आएगी, कुछ भी आएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न इसकी जड़ हिलेगी। ये पौधारोपण हमने 4 फरवरी को किया था और देखिए ये चल पड़ा है और इसमें कल्ले भी निकलने लगे हैं। अब हम इसको लगभग 2 फीट यहाँ तक हो जाता है, इसको हम यहाँ से काट देंगे, और जब इसको काट देंगे तो जो एनर्जी से जड़ से मिलेगी उससे ये पौधा मजबूत होगा, और ये काम आपको भी करना है, यानी लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर आप जो है ना ये काम अवश्य करें। हो सके तो ये जो डंडी है ये आप पौधारोपण के समय ही लगा दें तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे अगर हवा आती है पौधा हिलेगा डुलेगा नहीं और पौधा स्वस्थ रूप से जल्दी जड़ पकड़ेगा और उसमें जल्दी फुटाना है।
किसान भाइयों ये देखिए, हमने इसी तरह से अब जितने भी पौधे हमने रिप्लेस किए हैं सब में हमने डंडियाँ लगा दी। अब हम इसकी कल या परसों कटिंग कर देंगे, यानी ये जो आपने देखा है ये 2.5 फुट पर, इसको यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे हम। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से इसको कल कटिंग करेंगे, और ये जो पन्नी है, इसकी जो पन्नी है ये भी अब हम हटाएंगे। जैसे ही बांध चुके इसको, पन्नी को हम हटा देंगे, ब्लेड की सहायता से जरा सा कट लगाएंगे और हटा देंगे। तो ये थी आपके छोटे पौधों की समुचित देखभाल। किसान भाइयों, अगर ये विधि आप अपनाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और फायदा ही फायदा होगा। अगर आपका अब भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी सहायता कर मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।